पहला बॉल बैटिंग है हमारी भाई टॉस जीत के, और हारिस भाई का शॉट। दो गए यार, करो 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 हारिस भाई। लेग अंपायर कौन है भाई? पांच बंदे बैठे हैं, किसी को पता ही नहीं है। कैच हो गया हूं मैं, और ये बॉल ऊपर उठाया है। ना 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 ना। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा था, हम आयशा मंजिल पे आए हुए थे और सेमीफाइनल जो है हम जीत गए थे तकरीबन कोई 17-16 रन से। अभी हम फाइनल, हमारा फाइनल है। अब हम देखते हैं कि वही 3 ओवर का ही मैच होगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 4:15 हो चुके हैं, और घर जाके सहरी भी करनी है तो टाइम शॉर्ट है। तो देखते हैं इंशाल्लाह 3 ओवर में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या स्कोर करते हैं। थोड़े फाइनल स्टार्ट होते हुए चल मेरा भाई, पहला बॉल बैटिंग है हमारी भाई टॉस जीत के, और हारिस भाई का शॉट। दो गए यार, करो 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 हारिस भाई। यार ये रन था, आउट है ना? हाथ लगा है, आउट नहीं है ना? नेट आउट है, वीडियो में देख लो यार, वीडियो देख लें। छोड़ दें आप, वीडियो बनाएं, अच्छे से बनाएं। अंपायर ने आउट दे दिया, अंपायर साहब ने। मुझे भी लगा शायद आउट है, लेकिन वो यार लेग अंपायर कौन है? लेग अंपायर कौन है? भाई पांच बंदे बैठे हैं, किसी को पता ही नहीं है। लेग अंपायर नहीं है कोई भाई, आपने आउट दिए ना, आउट है ना, तो दूसरे बैट्समैन बुला लो, पता नहीं आउट है। पता नहीं कौन है यहाँ पे लेग अंपायर। आप आओ ना भाई, बस ना फिर आप ही हो ना लेग अंपायर। भाई आप लोग व्लॉग देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये राइट डिसीजन था या रॉन्ग डिसीजन। एडिटिंग में मैं रिप्ले पे भी लगा दूंगा, नो टेंशन, पता चल जाएगा कि डिसीजन अंपायर का कैसा था वो। लेकिन बाद में और हारिस भाई ने बॉल रोक लिया, ये तो फील्डिंग भी कर रहा है। दो बॉलों पे एक रन। कैच हो गया हूं मैं, और ये बॉल ऊपर उठाया है। ना 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 ना, ओह गुड कैच यार, व्हाट अ कैच, गुड कैच मैन, नाइस हो गया यार। इसके लिए थर्ड एम्पायर होना चाहिए, कैमरे लगे होने चाहिए, फिर बनेगी बात। अहमद थोड़ा इधर आओ यार, एम्पायर ने आउट दे दिया तो इट्स मी आउट। अगला बॉल थर्ड एम्पायर रखते तो फिर बात होती। अच्छा शॉट था, दो होंगे आराम से, दो है, तीन भी हो सकते हैं, आराम से दो है, हो सकते तीन भी अब हो जाएगा, जा सकते थे यार। दो आ गया भाई इस बॉल पर। अगला बॉल शॉट, भाग जा भाग जा, अच्छा शॉट है मगर बाउंड्री तो क्लियर नहीं हो पाएगी। दो गए। छोड़ दे, गुड रनिंग फ्रॉम हारिस भाई, विकेट के साइड से रनिंग कर रहे हैं, वेरी गुड रनिंग। शाबाश, शॉट हो गया और बोल्ड, पूरे आउट, स्पिन बोल्ड है। ओ भाई ये तो लेग अंपायर दे रहा है कॉल भाई, आउट है, आउट नहीं होगा, लेग अंपायर नहीं। लेकिन एक कैच बहुत प्यारा हुआ है वहाँ, उस कैच से आप बूस्ट अप, गुड बॉल। यार धनी भाई लेग अंपायर तो सही रहा। अगला बॉल फेस करेंगे हारिस भाई, वाइड है, वाइड है, वाइड बॉल, अंपायर का इशारा। शाबाश हरी भाई, शाबाश। दो ओवर। अबे ये नो दो ना यार, बॉल इतना बैठा है, डेड नहीं है, अंपायर ने क्या दिया है, अंपायर का डेड आ चुका है, डेड दिए, डेड दिए, आ जाओ अंपायर डेड पे आया भाई, डेड बॉल आ जाओ।
अंपायर ने दिया, आज अंपायर ने दिया। सही है, अंपायर डिसीजन है, जाओ बात करो, अब चेंज नहीं होना चाहिए। अगला बॉल, गुड बॉल फ्रॉम द बॉलर और फिर डॉट बॉल। सही है, सही है, हरीबे कोई मसला नहीं। फिर बॉल बैठ गया, पता नहीं कहां कहां से बॉल आ रही है। बॉल आ कहां से रहा है, बॉल उठेगी तो ट्रैक है ना, यही तो मसला है, वो गड्ढे में पड़ती है, बॉल बैठ जाती है। अगला बॉल फेस करेंगे वसी भाई, स्कोर हमारा कम ही है, हालांकि मुझे एक्चुअल स्कोर नहीं पता। व्हाट अ गुड बॉल यार, स्लोअर वन। कितना हो गया उमेर? अगला बॉल, चलो चलो, और वसी भाई का शॉट, तीन हो गए, तीन हो गए, तीन हो गए। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, शाबाश, रन आउट। सही है, रनिंग कर लो, रनिंग कर लो, रनिंग कर लो, आखिरी बॉल है। अगला बॉल, लास्ट बॉल है हमारी इनिंग का, और एक रन। क्या कहने अहमद, लेग का छक्का है ये, लेग अंपायर मान गया, मैं ही हूँ। दूसरी इनिंग स्टार्ट हो गई है भाई, मैंने इंट्रो में गलत बोल दिया था कि तीन ओवर का मैच है, क्योंकि मुझे उस वक्त पता नहीं था। मुगीस भाई से बाद में बात हुई कमेटी की, तो फाइनल जो है वो सिर्फ दो ओवर का हुआ, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था, और हमने दो ओवर में जो है 11 का टारगेट दिया है। आप देखते हैं कि हम डिफेंड कर पाते हैं नहीं, बॉलर तो अच्छे हैं। पहला बॉल ही वाइड, पहला बॉल ही वाइड रोहान की जानिब से। अगला बॉल आएंगे रोहान, फिर वाइड, दो आ गए, इसलिए तीन आ गए, और दो रन आ गए इस बॉल पे, वाइड और सिंगल, बगैर बॉल के तीन रन। अगला बॉल करेंगे रोहान, गुड बॉल, गैप से शॉट, फील्डर मौजूद है, एक ही आएगा। एक बॉल पे चार स्कोर, रोहान को बहुत अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी भाई ओवर कवर करने के लिए। दूसरा बॉल करेंगे रोहान, और ये पता नहीं कहाँ गया है बॉल, अंदर है, और ये सिंगल, दो बॉल है, पांच रन, हाई डला हो चुकी है। सही है, सही है, भाई से पूछो, भाई से, दो बॉल है, पांच रन, हाइट अलाउ नहीं है भाई, और ये शॉट, ये छः है, ये छः है, ख़त्म, तीन बॉलों में मैच ख़त्म भाई। भाई सीन ऐसा है, लाइटें ख़त्म, लाइटें बंद हो गई हैं, और फाइनल हम लोग हार गए अनफॉर्चुनेटली। दो ओवर की क्रिकेट हो गई थी, एक तो टाइमिंग भी काफ़ी कम थी, मतलब टाइम ज़्यादा 4:30 हो रहे हैं अभी तकरीबन, तो दो ओवर की क्रिकेट कमेटी ने भूल दिया था, जिसकी वजह से अभी हमने दो ओवर में तकरीबन 11 रन का टारगेट दिया, और अनफॉर्चुनेटली हम पहले ओवर में हार गए। और मैं अपनी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग आए इस टीम में खेला, यार बहुत अच्छी एफर्ट की लड़कों ने, काफ़ी अच्छी एफर्ट करी सब ने, हारिस भाई, वसीम भाई, रोहान, कायम, शब्बीर, बासित भाई, बहुत अच्छी एफर्ट करी यार सब ने, बहुत बहुत शुक्रिया। और मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और एक चीज़ कहूँगा कि यार यहाँ की जो कमेटी है ना, वो थोड़ी सी ये कह लो कि मतलब एक तरीके से वो नहीं थी, मतलब क्या कहेंगे उसको यार, सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। हाँ, इस कमेटी में काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, क्योंकि इन्होंने मुझे जब मैंने बात करी थी जब मैं डाल दिया टीम, तो चार टीमों पे, पांच टीमों पे ये चार चारों एंट्री दे रहे थे, विनिंग दे रहे थे। अब जब हम लोग फाइनल में आए तो इन्होंने 3.5 कर दी। खैर ये कि हमें फाइनल खेलना था, जरूरी था, इस वजह से हम खेल चुके। और भी बहुत सारी थी अंपायरिंग, अंपायरिंग में भी बहुत फॉल्ट थे, क्योंकि आपने रन आउट देखा होगा रोहान का, किस तरीके से पहले पाउंड लग गया, फिर आउट दे दिया लेग अंपायर ने, वो एक चाह रहे थे कि हम लोग हार जाएं। खैर ये कि यहाँ पे जो भी व्लॉग देख रहे हैं इस जगह पे नहीं आइएगा, काफ़ी अनएक्सपीरियंस, मतलब एक तरीके से ख़राब एक्सपीरियंस था बहुत ज़्यादा यहाँ का, लाइटिंग इशू थे, जगह भी काफ़ी बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं थी। तो खैर इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं हम लोग, पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टूर्नामेंट में, अल्लाह हाफिज़।